ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी खबरों की पड़ताल। नवादा जिले के गोविंदपुर थाना अंतर्गत रंगदारी की दो घटनाओं को पुलिस ने पर्दाफाश किया है। हथियार से लैस अज्ञात अपराध कर्मी द्वारा गोविंदपुर थाना क्षेत्र के ग्राम शेखोपुर निवासी राम बालक प्रसाद पिता स्वर्गीय गणपति महतो अपने बगीचा की देखभाल कर रहे थे। अपराधियों ने हथियार के बल पर लाइसेंस राइफल एवं 5 लाख रुपए रंगदारी मांग की थी। इसी घटना के बाद पीड़िता राम बालक प्रसाद ने लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई थी। रिपोर्ट हुए कि 10 तारीख की रात को वहां पर दो अलग अलग जगह पे घटनाएं घटी हैं सिमिलर नेचर की, कि कुछ हथियारबंद लोगों के द्वारा जो अपने आप को नक्सली बता रहे थे उनके द्वारा एक कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पर एक स्कूल बन रहा था वहाँ पे लोगों को धमकी देकर हथियार की नोक पे धमकी देकर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में 20% लेवी की मांग करी गई थी और उसी से कुछ दूरी पर एक वृद्ध व्यक्ति जिसके पास लाइसेंसी हथियार हैं उनका हथियार छीनने का पैसा उनसे छीनने का प्रयास किया गया था। कांड दर्ज होने के बाद हमने इसमें एक विशेष जाँच टीम बनाई और उस टीम ने इस कांड का उद्भेदन करते हुए इसमें जो इन्वॉल्व अपराधी हैं उनको आइडेंटिफाई किया और अपराधियों की गिरफ्तारी करी। ये भी बात प्रकाश में आई थी कि जब इन्होंने लेवी मांगी थी नक्सल के नाम पे अगले दिन फ़ोन करके भी धमकी दी थी और दोबारा लेवी की मांग करी थी, तो जो हमारी टीम थी उसने तकनीकी आधार पे एवं लोकल आसूचना प्राप्त करके अनुसंधान किया और कुल मिला के इस गैंग में जो एक आपराधिक गैंग है इसमें से 7 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके नाम मुकेश यादव, धीरज, धर्मेंद्र कुमार, विपिन कुमार, रंजीत कुमार, राजवल्लभ कुमार और विभीषण कुमार है। इन व्यक्तियों के पास से घटना में जो इन्होंने प्रयुक्त किए थे 3 राइफल, 1 3-नट हथियार, 1 देसी कट्टा, 81 जिंदा राउंड्स, जिस मोबाइल फ़ोन से इन्होंने धमकी का कॉल किया था और जिस सिम से इन्होंने धमकी का कॉल किया था ये सभी इन व्यक्तियों के पास से बरामद किए गए हैं। इनमें से 5 व्यक्तियों का आपराधिक इतिहास भी रहा है और ये आर्म्स एक्ट और रंगदारी के केस में इनमें से कई लोग पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। सर गिरफ्तारी कहाँ से हुई? गिरफ्तारी एक गोविंदपुर थाना क्षेत्र से इनकी हुई है। टीम में कौन कौन थे सर? टीम में हमने इसमें DSP रजौली के नेतृत्व में टीम बनाई थी और इसमें कई थानों की पुलिस शामिल थी। गोविंदपुर थाने के अलावा इसमें हमने काशीचक थाने को भी रखा था, हमारी DIU की टीम थी, इनके द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई। सर इसके किंग कौन है? इन सभी गैंग मेंबर्स जो पकड़े गए हैं इनसे पूछताछ की गई, इनके द्वारा बताया गया है कि चंदन यादव नामक अपराधी के गैंग के सदस्य हैं, पूर्व में उसके साथ एसोसिएटेड रहे हैं।